गोरखपुर क्षेत्र में रहने वाली ममता पटेल नाम की भाजपा नेत्री ने पुलिस से मोहल्ले में रहने वाले बिल्डर संजय भसीन की शिकायत कर उस पर कई संगीन इल्जाम लगाए। पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो भाजपा के कई नेता थाने पहुंच गए और पुलिस पर तुरंत कार्रवाई का दबाव बनाने लगे। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। भाजपा नेत्री का आरोप था कि संजय भसीन ने अपने परिवार के साथ मिलकर उनके घर में घुसकर बुरी तरह मारपीट की है। इधर आरोपी सारे मामले को दोषियों का विवाद बता रहा है। उसने खुद भाजपा नेत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर पुलिस ने मामले में 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं संजय भसीन का यह आरोप है कि भाजपा की नेत्री गुंडागर्दी करती है और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देती है। अब ये तो पुलिस की जांच रिपोर्ट आने पर ही पता लगेगा कौन सच्चा कौन झूठा। टीम भारती न्यूज। मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ इस थाने में। संजय भसीन जो बिल्डर है उसके खिलाफ कंप्लेन लिखाने आई थी। आज सुबह 8 बजे से हम लोग बैठे हैं, हम लोग पानी तक नहीं पिए हैं। इन लोगों ने इतना ज़्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है, पूरे कॉलोनी के मकान ऐसी तरह लोगों को धमका के खाली कराता है और फिर बेचता है। इसका ये नियम है। इसने आज सुबह 10 बजे मेरे घर में घुस करके मारपीट की, तलवार लेकर आया अंकित भसीन, तलवार लेकर आया, राड लेके आया उसका छोटा बेटा और उसकी पत्नी सीमा, वो डंडी लेके आई, उसका पति आकर के मेरे को ऐसे पकड़ करके कपड़े तक फाड़ दिए और मुझे पटक दिया। इन तीनों ने मिल करके मेरे बाल पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, ऐसे गुंडागर्दी करते हैं खुलेआम। आप यहाँ से मकान खाली करके जाओ। किसका मकान है? मकान मेरा है। सिर्फ क्या है, ये संजय भसीन बहुत दिनों से दलाली का काम करता है, उसका बेटा। एक बार वो पुलिस ने खुद हमारे सामने आंखों के सामने उठा के लेके आई थी, ये आकाश गंगा होटल में काम करता था। ये औरतों को किराए से मकान दे करके वहाँ दलाली कराता, रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक इनका आतंक रहता है। अरे भैया, सवेरे जो है हमारी वाइफ जो है बाहर खड़ी थी दरवाजे पे, सामने ममता पटेल करके है, वो आए दिन लोगों को कहीं कचरा फेंकना, कहीं मारना, कहीं बच्चों को मारेगी। उसके बाद उसने झाड़ू लगाया और कचरा हमारे घर के सामने फेंक दिया। वाइफ ने कहा भाई यहाँ कचरा क्यों फेंक रहा, हम लोग तो सो रहे थे। और उसने तुरंत उसके बाल पकड़े, वाइफ के बाल पकड़ के रोड पे उसने गिराया और उसके बाद उसको घूसे घूसे मारने लगे। इतने में लड़का चाकू लेके आ गया, चाकू लेके आया तो हम मोहल्ले के लोगों ने चिल्लाया कि क्या हो गया क्या हो गया। तो इतने में हमको उठाया, हम जब तक बाहर गए तो लड़के ने हमको भी यहाँ चाकू चलाया और वो कीटनाशक जो है कुछ दवाई वो वाइफ को, जब तक उनने वो लड़के ने पकड़ा और उसकी माँ ने वहाँ से वो कीटनाशक उसके मुँह में पिलाई, बोले तेरे को तो मार डालेंगे। इतने में सर हम आए दौड़ के, जब आवाज़ मारी मोहल्ले वालों, अभी क्या स्थिति है? अभी तो ICU में है, सीरियस स्थिति है। घर के अंदर घुसा, घर के अंदर घुसकर उनने उनके कपड़े फाड़े, उन्हें निवस्त्र करने का प्रयास किया, उनके स्त्री सुलभ अंगों पर अत्याचार किया, हमला किया उसकी, और बहुत चोट आई है उनके चेहरे पर। सुबह से वह कार्रवाई कराने के लिए आई हैं, परंतु यहाँ की जो थाना प्रभारी महोदया हैं वो यहाँ के कांग्रेस के बड़े नेता के दबाव में काम करती हैं। उन्होंने 5 घंटे तक कोई FIR नहीं की। हमारी महिला मोर्चे के अध्यक्ष अश्विनी परांज पे, हमारे मंडल के अध्यक्ष शिवशंकर पाठक और हमारे कौशल सूरी, दो लोग तीन लगे थे बहुत, कि आप कार्रवाई करो। कार्रवाई नहीं होने की वजह से, और उसके अलावा जो अपराधी तत्व था थाने में आकर इनके बाजू में बैठकर चाय पी रहा था, उसको थाने से भगाया गया। इस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार अनादार कुछ देखकर और कार्रवाई ना होने पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा समझकर मैंने थाने आया और उच्चाधिकारियों से एडिशनल SP से बात की है और मांग की है कि उस जिसने थाने से भगाया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और महिला की रिपोर्ट पर समुचित कार्रवाई कर अपराधी तत्व को तत्काल गिरफ्तार किया। Subscribe now to most exciting channel ever.